वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लेने जा रहे हैं गणपति बापा, कल गणेश चतुर्थी है, इसलिए हम पुराने घर पे मतलब गांव वाले घर में हम हर साल गणपति बापा लाते हैं, तो इस बार भी लाने वाले हैं। तो अभी हम गणपति बापा लेने जा रहे हैं। गाइज हम पहुंच गए हैं गणपति बापा की मूर्ति लेने के लिए। जहां हम अभी मूर्ति लेने के लिए आए वो अहमदाबाद की सबसे बड़ी जगह है। आई थिंक 1 या 2 किलोमीटर का ऐसा पूरा एरिया है, वहां सिर्फ गणपति बापा की मूर्ति मिलती है, ये लोग इधर ही मूर्ति बनाते हैं। तो हम गणपति बापा की मूर्ति लेने के लिए पहुंच गए, इधर बहुत सारी मूर्तियाँ मिलती है, आप देख सकते हो। माटी में छे? हाँ माटी में, माटी में पकड़ता नहीं। जैसे कि आप देख सकते हो ये लोग यहीं पे ही मूर्ति बनाते हैं और बाद में बाहर पंडाल डाल के यहीं पे ही मूर्ति को बेचते हैं। हमने गणपति बापा ले लिए, तो हमने गणपति बापा तो ले लिए, लेकिन हम आपको आज नहीं बताएंगे, कल पूजा के समय दिखाएंगे। और बारिश भी शुरू हो गई है, तो जल्दी घर लेके जाते हैं गणपति बापा को। गणपति बापा, गणपति बापा, गणपति बापा, गणपति बापा, जा मत पकड़ो, हाथ कोई भी जा पर पकड़ो नहीं, हो आम हाथ राखी आम पकड़ी धीरे धीरे ले लो, हाथ नहीं पकड़ता, हाथ जी मोटी आती से तुम्हें क्यों ले लो, हाथ नहीं पकड़ता। तो गाइस हमने ले लिए गणपति बापा, तो हम कल अच्छे मुहूर्त पे हम गणपति बापा को स्थापित करेंगे और सब पूजा विधि करेंगे। तो हम गणपति बापा की मूर्ति को लेकर घर पहुंच चुके हैं और कल गणेश चतुर्थी है, इसलिए हम कल गणपति बापा की स्थापना करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी हम लेने जा रहे हैं गणपति बापा का सामान, तो 12 बजे स्थापित करने वाले हैं हम, तो हम जा रहे हैं अभी गणपति बाबा के पूजा के लिए सामान लेने के लिए। ₹100
हमने अभी गणपति बापा की पूजा का सामान ले लिया है और अभी हम करने जा रहे हैं स्थापन। तो सब रोहन ने ही डेकोरेशन किया है गणपति बाबा का बैक स्टेज का, ये आप देख सकते हो। रोहन एक बार सीरियस की लाइट तो जला दे। आह क्या बात है, नाइट में अच्छा दिखेगा। कुछ तो बोल, शर्मा क्यों रहा है? तो अभी हम गणपति बापा की स्थापन करने जा रहे हैं और अभी ये हम आपको गणपति बापा दिखा रहे हैं। गणपति बापा मोरिया, गणपति बापा मोरिया, गणपति बापा। गणपति बापा मोरिया। अभी वो मंगल मूर्ति मंदिर में से लेके यहाँ पे स्थापित करनी है। अब तू बैठ जा, फिर वो मैं सब तुझे दूंगी, तुझे पूजा करनी है ना। तो गाइस अभी हमने गणपति दादा को विराजमान कर दिए, तो अभी हम करेंगे गणपति दादा की पूजा। ये सब निकाल दूँ? हाँ पहले वो सब निकाल। ये जनोई भी निकाल दूँ? हाँ। कारक गाइस अभी मैं गणपति दादा को जनोई पहना रहा हूँ। मेरी मम्मी ने आज घर पे स्पेशली गणपति बापा के लिए लड्डू बनाए, 21 लड्डू बनाए हैं। ये देखो और कमेंट करना मत भूलना और सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू थैंक यू।